Hello guys, welcome back to the channel Science Studio, and today we are going to discuss a new unit, that is magnetic effects of current. So humne last unit current electricity kiya tha, and that was a quite different unit, different concepts ke saath. Theek hai, to aaj jo hamara unit hai, naya chapter hai, wo khud mein ek mystery hai. Matlab electrostatics jaise padha tha, aise hi magnetostatics hai. To all about magnetic field. And that was all about electric field. So, whosoever feels like ये video उनके लिए काम का है, useful है, और आप लोग को video पसंद आ रहा है, तो जरूर video को एक तो end तक देखें यार, अपना concept clear करने के लिए एक तो end तक video को देखें, पहली बात. और दूसरी बात, अगर आपको ये video पसंद आता है, तो इस video को like करो और channel को subscribe करना ना भूलो, because magnetic effects of current में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. ठीक है, और हम एक एक कंसेप्ट को जो है डीप में समझेंगे, और पीछे की क्या थ्योरी रही है, क्या कंसेप्ट रहे हैं साइंटिस्ट का, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे. वो बेसिकली इसीलिए होती है ताकि हमें थोड़ा चैप्टर की फील आए और हमें पढ़ने का मन करे कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ क्यों रहे. ठीक है, तो वैसे तो अ लॉट ऑफ चैनल्स, यू नो, एजुकेशन बेस्ड चैनल्स आर देयर, जिसपे आप कोई भी टॉपिक कवर कर सकते हो. आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल आई फील कि एक कनेक्ट होता है सेम एज ग्रुप वालों के बीच में, तो वो कनेक्ट शायद मैं आप लोगों को बेटर दे सकती हूँ. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लास्ट तक देखना जरूर. तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से. सो गाइज, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट नाम, व्हाट द नेम सजेस्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. मैग्नेट से क्या समझ में आता है, मैग्नेट सबने देखा, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल देखी, कंपास देखा है सबने. तो कोई मैग्नेट का दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है. दो मैग्नेट के अगर नॉर्थ पोल को हम साथ में लाएंगे तो वो रिपल्शन होता है, अगर नॉर्थ साउथ पोल को लाओ तो अट्रैक्शन होता है. तो मैग्नेट के बारे में जो थोड़ी बहुत चीज पता है हमें, वो यही है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं, साउथ साउथ हो गया या फिर नॉर्थ नॉर्थ हो गया, वो रिपल करते हैं. ठीक, मैग्नेट के बारे में कुछ ऐसी चीज हमें मालूम है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ, किसके इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स करंट के. सो गाइस, मुझे आप लोग से एक सवाल पूछना है कि क्या सिर्फ एक मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, क्या सिर्फ एक मैग्नेट के अंदर एक पावर होती है कि वो अपना एक अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सके, ताकि वो दूसरी मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर सके या फिर रिपेल कर सके. ऐसी कोई और सब्सटेंस है या फिर ऐसी कोई और कंडीशन हम बना सकते हैं क्या, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो. सो आई गेस ऐसा हम चैप्टर में, इस यूनिट में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं. तो सिर्फ एक मैग्नेटिक ऐसी चीज नहीं होती जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है. सो व्हाट इज बेसिकली करंट, हम करंट से हमें क्या मतलब है. करंट बेसिकली इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट. तो जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि वो मूविंग चार्ज अपने अराउंड एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स, हम जिसके कॉन्सिक्वेंस में दिखाई पड़ते हैं या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखते हैं, ठीक है. तो ये सब बात करने से पहले मुझे आप लोग से एक और सवाल है कि मैं कैसे मान लू कि कोई करंट कोई भी वायर में से या किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. बिकॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडीड दैट कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है. तो कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पर अगर वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास डेवलप होगा कि नहीं होगा. ऑब्वियसली बात है, राइट, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो करंट को जो है प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज ए मूविंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अराउंड अभी भी है, बट क्या एक रेस्ट पे चार्ज, जो एक चार्ज रेस्ट पे है, क्या वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, क्या वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है जो चार्ज रेस्ट पे है, मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो जीरो है.
तो आई गेस आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई की पॉलिटी बुक से क्लास 12th में बेस बनाना है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट का। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है, क्या कोई चार्ज अगर रेस्ट पर है तो क्या उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, जैसे कि एक रेस्ट पे चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ गए। सो गाइस लेट मी टेल यू, दिस इज अ क्वेश्चन जो कि अभी मैंने पूछा, विच द साइंटिस्ट, ठीक है, हमारे पूरे इंडिया में वर्ल्ड में अभी तक साइंटिस्ट जो है इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि एक चार्ज अगर वो रेस्ट पर है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होता, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक चार्ज जो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी वायर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो सिर्फ उसी मूविंग चार्ज का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा। सो गाइज आप लोग के लिए भी एक यही सजेशन है कि आप चाहो तो इसके बारे में एक्सप्लोर करो और जानने की कोशिश करो कि चार्ज जो रेस्ट पे उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होता, ठीक है। और हम ये वीडियो में, इस वीडियो में स्पेशली आई विल नॉट डिस्कस बिकॉज दिस वीडियो इज प्रेफरेबली मेड फ्रॉम द 12th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई गेस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो आई गेस। सो फिलहाल के लिए मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट पैदा करना है तो जरूर इसको पढ़िएगा, एंड आई गिव यू अ हिंट, एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन इसका जो प्रूफ है बेसिकली कि ऐसा नहीं होता है, तो वैसे क्यों नहीं होता है, बेसिकली एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है जिसके ऊपर बेस्ड हम इसका आंसर जो है बनाते हैं। तो जिसको भी एसटीआर में या फिर जो भी बच्चे कोचिंग जाते हैं, यू नो दे हैव अ नॉलेज, जिनको एक्सप्लोर करने की यू नो हमेशा रहता है कि एक्सप्लोर करना है, तो जरूर जाकर देखें इसका आंसर क्या हो सकता है। सो आई गेस हमें पहला टॉपिक शुरू करना है इसका, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो जो भी हमारे पास साइंटिस्ट थे जैसे कि ऑर्स्टेड, उन्होंने क्या पाया एक्सपेरिमेंटली कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग वायर में या कोई भी वायर में से करंट अगर फ्लो कर रहा है, अगर उसके पास हम एक मैग्नेटिक नीडल माने जिसका नॉर्थ साउथ पोल होता है, उसको अगर लेकर जाते हैं तो उसके अगर रीजन में जाते हैं तो ये जो नीडल है ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, और यही इसी नीडल को अगर मैं दूर ले जाऊं, अगर इससे दूर डिस्टेंस पर ले जाऊं तो डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाता है, और अगर मैं इस वायर के अंदर का जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को बढ़ा दूं, सपोज करो अभी फिलहाल इसकी वैल्यू I1 है और मैंने क्या किया है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर मैंने इसके करंट को बढ़ा दिया, तो करंट बढ़ाने के बाद जब मैं मैग्नेटिक नीडल लेके आती हूँ, मैग्नेटिक कंपास लेके आती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि जो डिफ्लेक्शन था वो बेसिकली डबल हो गया है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है बेसिकली डबल हो गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम कोई भी करंट कैरिंग वायर के पास किसी भी मैग्नेटिक नीडल को लेके आते हैं तो पहली बात तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, इट मीन्स उस वायर का अपना शायद कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकेंड बात क्या है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और तीसरी बात क्या हो सकती है, अगर मैं इस वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, ठीक है, इस वायर के अंदर अगर मैं करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन आया था वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दूं तो डिफ्लेक्शन जो है कंपास वाली नीडल में वो भी अपोजिट हो जाता है। तो ये कुछ बातें जो ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाई जिससे कि हमें ये पता चला कि शायद एक करंट कैरिंग वायर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग, यू नो द फील्ड, कि जैसे कि हम अपने रूटीन में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं या फिर एक कंपास की जो मैग्नेटिक कंपास है उसको लेके आते हैं तो जरूर वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। आप अपने घरों में आराम से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी कर सकते हो। So, ये ऑर्स्टेड जो साइंटिस्ट था उसने ऐसा पाया, हिज नेम वॉज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये तो बात हुई ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की। और क्या जानते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में, अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें वैसे तो मालूम है, बट स्टिल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट,
ठीक है, मैग्नेट अराउंड का रीजन या फिर स्पेस या फिर एक करंट कैरिंग वायर। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो करंट कैरिंग वायर होता है उसका एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो या तो रीजन हो अराउंड द मैग्नेट का या फिर करंट कैरिंग वायर का, ठीक है, विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। उस रीजन के अंदर अंदर अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को या फिर किसी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो रीजन है अराउंड द मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग वायर, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। सो गाइस, इट इज द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, सो हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है यूनिट का, इस यूनिट का, दैट व्हाट इज द वैल्यू या फिर मैथमेटिकली देखा जाए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अगर कोई चार्ज जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो किसी प्लेन के अंदर। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी मूविंग चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। तो उसके बारे में हमने पढ़ना है कि वो कैसे लगेगा और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो मैंने क्या सपोज किया है, मेरे पास एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, उसके अंदर एक चार्ज वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, चार्ज इज क्यू चार्ज, ठीक है, वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खुद से प्रोड्यूस किया है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो मेरा चार्ज है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो होता क्या है, बेसिकली जो मूविंग चार्ज है, अभी हम देख के आए, जो मूविंग चार्ज है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एक सेंस, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगता है, ठीक है, इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगता है या ये चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ दिस फील्ड एंड द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन रीजन, या यू भी कह सकते हैं जो चार्ज खुद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज, तो उसकी वजह से एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी हम देखते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सिंस अगर ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इस वी वेलोसिटी को और ये जो v वेलोसिटी का वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो v को मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रही हूँ, सो दिस बिकम्स हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, तो ये थीटा बेस के साथ हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहता है, तो ये v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज v sin थीटा वाला कंपोनेंट। सो इट इज फाउंड दैट जो मेरे पास फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर, That is directly proportional to the amount of charge, ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा बेसिकली उतना ही ज्यादा ये चार्ज जो है मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फोर्स को सॉरी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, यू भी कह सकते हो कि जितना ज्यादा इसका चार्ज होगा ये उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी करेगा, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा चार्ज होगा इसके अराउंड उतना ही तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, या यूं भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस भी करेगा। तो आप अभी के लिए यूं समझो, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसके अराउंड स्ट्रॉन्ग या फिर तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। नेक्स्ट थिंग इज जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ये फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है, तो जितना ज्यादा बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतना ही ज्यादा फोर्स। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से डिनोट करते थे, तो यहाँ पर हमने बी से डिनोट किया। तो एक और बात है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी साइन थीटा, मतलब कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एक्सपेरिमेंटली अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद क्यू वी साइन थीटा अगर हम कंबाइन कर देते हैं और बी, ठीक है,
तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रही हूँ, तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली पाया गया है जो के की वैल्यू है वो वन है, यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो वन है फॉर एस आई यूनिट्स, ठीक है, या फिर सीजी स्टूडेंट्स में भी देखा जाए तो के की वैल्यू इज वन, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और सिंस जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स हो या कोई भी किसी भी प्रकार का फोर्स होता है दैट इज अ वेक्टर, दैट इज वेक्टर इन नेचर, तो फोर्स को वेक्टर में चेंज करने के लिए मुझे साइन थीटा दिखना है। तो साइन थीटा क्या है, बेसिकली थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करती हूँ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज करने की कोशिश करती हूँ, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है फोर्स का दैट इज गिवन बाय फोर्स वेक्टर क्यू वी क्रॉस बी। कैसे वी क्रॉस बी, बेसिकली देखा जाए जो थीटा एंगल है हमारे पास वो बी के बीच में है, ठीक है, वो बी के बीच में है और क्यू के बीच में, ठीक है, तो क्यू के बीच में भी कह सकते हैं या फिर यू भी कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर के बीच में, सिंस जो हम एंगल देखते हैं वो दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में देखते हैं, तो वी और बी के बीच का एंगल इज थीटा, ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल दूं बेसिकली तो मेरे पास आएगा क्यू वी बी साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, तो मूविंग चार्ज की वेलोसिटी के बीच में एंगल और बी के बीच में एंगल, दिस गिव्स द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई गेस आप लोग को ये समझ में आई है बात, सिंपल सी बात है, जो फोर्स होगा जितना कितना फोर्स होगा किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है जो भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है एक मूविंग चार्ज। सो आई गेस आप लोग को समझ में आ रहा है गाइस, तो यार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस टाइम हमने जो अपना मेथड है वो भी थोड़ा चेंज किया है, यू नो लॉट ऑफ पीपल से दैट जो शीट है उसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए, बट सिंस आई डोंट हैव सच टेक्नोलॉजिकल यू नो इक्विपमेंट्स विद माईसेल्फ, सो आई फील कि मुझे थोड़ा सा लिमिटेशन है, बट इट्स ओके, अगर आप लोग का ऐसा ही मानना है तो मैंने थोड़ा सा मेथड को चेंज करके देखा है। सो गाइस जरूर बताना आप लोग को ये मेथड कैसा लग रहा है, बोर्ड विजिबल है अच्छे से कि नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है मेरी बात, मेरी ऑडियो जो है आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और जो कंसेप्ट है मेन कंसेप्ट वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, ठीक है, कोई डाउट है तो वो भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।